हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रमेश कुमार यादव। आज हम देखने वाले हैं हेडिंग टैग। क्या आपको पता है हेडिंग टैग क्या होती है, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? नहीं पता है ना? आज हम देखने वाले हैं हेडिंग टैग का यूज़ हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके घर पे न्यूज़पेपर तो आता ही होगा, आपके घर में बुक्स वगैरह होंगी, बच्चे होंगे, या तो आप खुद एक स्टूडेंट है तो आप खुद अपनी बुक्स जो प्रिफर करते हो। आपने कभी अपने बुक्स के फर्स्ट पेज पे देखा होगा या तो सेकंड पेज पे सिलेबस वगैरह होता है। सिलेबस के अंदर हम देखते हैं हेडिंग वगैरह दी होती है, उसके नीचे सब हेडिंग होती है, जो हमारे चैप्टर्स होते हैं चैप्टर्स के हम नाम लिखा होता है वो हेडिंग होती है, उसके नीचे चैप्टर्स के अंदर जो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले होते हैं उसके बारे में बताया गया होता है, उसके कुछ सब टॉपिक्स दिए होते हैं चैप्टर्स के बारे में, तो उन्हें हम सब हेडिंग कहते हैं। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई ब्लॉगर है जो अपना ब्लॉग लिखता है, आर्टिकल अपना लिखता है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो वो हमेशा हेडिंग टैग का यूज़ करता है। अगर वो हेडिंग टैग का यूज़ नहीं करे तो उसके पेज का जो SEO होता है वो ख़राब हो जाएगा, वो अच्छे से रैंकिंग नहीं करेगी, इंडेक्सिंग नहीं करेगी SEO। तो ये ड्रॉबैक भी है, अगर आप SEO प्रेफरेंस से सोचेंगे तो आपको हेडिंग टैग का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि हेडिंग टैग का यूज़ ना करते हुए वो जो उनकी हेडिंग होती है उसे फॉन्ट के साइज़ में लिख देते हैं, यानी फॉन्ट के मदद से लोग फॉन्ट को बड़ा कर देते हैं, हेडिंग बना देते हैं और उसे बोल्ड कर देते हैं, जो कि ये सरासर गलत है। अगर SEO पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर आपको अपनी वेबसाइट अच्छे से रैंक करवानी है अपने वेब पेज के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, तो आपको हेडिंग टैग का यूज़ ज़रूर करना है। हेडिंग टैग का यूज़ करके ही आप अपनी पेज की SEO बढ़ा सकते हैं, अपनी वेबसाइट की SEO बढ़ा सकते हैं। अगर आप हेडिंग टैग का यूज़ नहीं करोगे तो जब भी आपकी पेज वेबसाइट रैंकिंग होगी वेब पेजेस के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, तो SEO क्या काम करता है, पहले हेडिंग को देखता है वो आपके पेज के अंदर। अगर उसको H1 नाम की हेडिंग नहीं मिलती है वहाँ पे, तो वो अच्छे से पेज को रीड नहीं करता है। तो ये इसका ड्रॉबैक है अगर आप हेडिंग टैग का यूज़ नहीं करोगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हेडिंग टैग के मुख्यतः 6 टाइप्स होते हैं, उसके 6 टाइप्स होते हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6, जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया हुआ है। अब इसे हम अपने आउटपुट स्क्रीन पे कोडिंग सॉफ्टवेयर के अंदर रन करके देखेंगे कि ये कैसे दिखता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन करूँगा। विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद में हम वहाँ पे अपनी एक फाइल बनाएंगे। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फाइल बना के रखी हुई heading.html नाम से, आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल कैसे बनानी है। मैंने आपको बताया था ये फाइल का ऑप्शन है न्यू फाइल बनाने का, यहाँ से आप न्यू फाइल बना सकते हैं और उसका नाम .html एक्सटेंशन देके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बॉडी के अंदर आप देख सकते हो H1, H2, H3, H4, H5, H6 सारे हेडिंग्स ऑलरेडी मैंने लेके रखे हैं। हमेशा आपको याद रखना है ये टेक्स्ट ओपन जब करते हो आप, ये आपने ओपन किया H1 तो उसे क्लोज भी करना है, ये मैंने यहाँ पे क्लोज भी किया हुआ है H1 को। तो ऐसे ही सारे टैग्स को आपको हमेशा क्लोज करना है। कुछ कुछ टैग होते हैं जिन्हें हमें क्लोज नहीं करना पड़ता है, वो हम अपने आने वाले अगले लेक्चर में देखेंगे। तो बेसिकली मैं पहले आपको H1 प्रिंट करा के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है रमेश कुमार, अब इसे हम प्रिंट करा के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले सिर्फ H1 को प्रिंट कराना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने इसे कमेंट दे दिया है। कमेंट देके मैंने ये पार्ट को स्किप कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये पार्ट को कमेंट करके स्किप कर दिया है, यानी ये लाइन रन नहीं होगी, सिर्फ H1 ही रन होगा। तो आइए हम देखते हैं, गो लाइव पे जाएंगे। गो लाइव पे जाने के बाद हमें हमारा आउटपुट स्क्रीन दिखाई देगा। ये देखिए, ये जो मैंने हेडिंग टाइटल में दिया था यहाँ पे हेडिंग दिख रही है, और जो मैंने H1 में चलाया है रमेश कुमार, ये यहाँ पे आपको प्रिंट होके दिख रहा है। मैंने इसे थोड़ा बड़ा कर दिया है, अभी आप देख सकते हो अच्छे से आउटपुट। तो चलिए हम अभी अपने अगले बाकी हेडिंग्स भी रन करा के देखते हैं। तो चलिए हम अभी आगे अपने बाकी के हेडिंग्स भी टैग्स अपने रन करा के देखते हैं कि वो कैसे दिखेंगे। तो अभी हम H2, H3, H4, H5, H6 को रन करके देखेंगे। तो मैं इसे रन करने के लिए फिर से यहाँ पे आऊँगा, गो लाइव का बटन, गो लाइव पे मैंने क्लिक किया यहाँ पर, और आप देख सकते हैं
ये अभी आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे H1 जो था हमारा वो काफ़ी बोल्ड और बड़ा दिख रहा है, उसके बाद H2 थोड़ा सा और उससे छोटा हो गया, H3 उससे भी छोटा, H4 उससे भी छोटा, H5 उससे छोटा और H6 सबसे छोटा हमें दिखाई दे रहा है। यानी ये साइज़ को वेरी करते जाता है, छोटा करते जाता है, स्मॉल करते जाता है साइज़ को। सारे टेक्स्ट का यही यूज़ होता है। सबसे ज़्यादातर हम यूज़ जो करते हैं वो H1 का करते हैं, H2 का और H3 का करते हैं। ज़्यादातर हम यही तीन टेक्स का इस्तेमाल अपने वेब पेज के अंदर करते हैं। H1 टैग का हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ अपने पेज के अंदर, अपने आर्टिकल के अंदर एक ही टैग, एक ही बार उसका इस्तेमाल करें H1 का। एक से ज़्यादा बार उसका इस्तेमाल ना करें आप, उससे आपका SEO थोड़ा अच्छा रहेगा। और H2 का आप यूज़ जो है वो दो तीन बार कर सकते हैं, और बाकी H3 वगैरह भी आप दो तीन बार मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो सब हेडिंग का काम करती है। हेडिंग आपके पेज में सिर्फ एक ही होनी चाहिए, इसका आप ध्यान रखें। तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे के लेक्चर में हम दूसरे हेडिंग के बारे में, दूसरे टेक्स्ट के बारे में देखेंगे। थैंक यू।